हेलो दोस्तों, दिस इज़ रमी राइडर फ्रॉम इंसिया मोटरसाइकिल। तो दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो लेके आया हूँ ये इसके अंदर बुलेट के सर्विस के ऊपर है, ऑयल चेंज कितने किलोमीटर पे करना है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन आए कि ऑयल कितने किलोमीटर पे चेंज करना चाहिए, एयर फिल्टर कितने किलोमीटर पे करना चाहिए और ये सब। तो मैं आपको उसका आंसर देना चाहता हूँ आज की, क्यों, क्योंकि नॉर्मली हमारे मैनुअल पे 4,000-5,000 किलोमीटर लिखा रहता है कि 4,000-5,000 पे चेंज करना चाहिए, बट क्या वो सही है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी ने गलत लिखा है, कंपनी सही है अपनी जगह, बट उसका एक सोचने का नज़रिया एक अलग है। कंपनी ने अगर लिखा है 4,000 किलोमीटर तो वो 4,000 किलोमीटर इंजन की रनिंग बता रहा है, और हमारी गाड़ी अगर 4,000 किलोमीटर की गाड़ी मीटर शो कर रही है तो इसका मतलब हमारी गाड़ी 5,000 से 5,500 किलोमीटर चल चुकी है इंजन हमारा। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। हमारा जो स्पीड मीटर है वो फ्रंट व्हील से चलता है, तो फ्रंट व्हील का मतलब है इंजन से कनेक्ट नहीं होता किलोमीटर, ये हमारा आप सोच रहे हैं इंजन से कनेक्ट है, इंजन से कनेक्ट नहीं होता हमारा, ये फ्रंट व्हील से चलता है। और फ्रंट व्हील की वजह से क्या है, हमारा कंपनी का जो अगर टाइमिंग रेशियो देखा जाए तो उसका रेशियो बनता है टॉप गियर का, मतलब फिफ्थ गियर का, जो भी आपका चाहे फोर्थ हो टॉप गियर चाहे फिफ्थ हो, टॉप गियर का बनता है, टॉप गियर के हिसाब से गाड़ी आपकी चलती है। बट हमारी गाड़ी अगर आप लोकल में चलाते हैं, कहीं भी चलाते हैं, ट्रैफिक इतना आजकल कि टॉप गियर में तो बहुत कम ही चलती होगी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, बट उस टाइम हमारे इंजन के किलोमीटर कुछ ज़्यादा ही होते हैं। तो वो मैं बताता हूँ कैसे। आपकी गाड़ी रेड लाइट पर रुकी हुई है, ट्रैफिक में जाम में, फर्स्ट गियर है, तो गाड़ी आपकी स्टार्ट है, वहाँ किलोमीटर नहीं चल रहा, वहाँ चल रहा है इंजन। तो आप मेरे ख्याल में समझ गए होंगे अब कि इंजन चल रहा है, तो इंजन तो अपने किलोमीटर पूरे कर रहा है ना, आपके वो मीटर में वो शो नहीं होगा जो आपके इंजन के खड़ी गाड़ी के किलोमीटर से चलेंगे। तो अगर आपकी गाड़ी में लिखा हुआ है 4,000 किलोमीटर या 5,000 किलोमीटर, तो आप उसके हिसाब से 1,000 से 1,200 किलोमीटर पहले ऑयल चेंज कराइए, क्योंकि हमारा ये वहाँ तक कवर हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए 4,000 लिखा हुआ है या 5,000 लिखा हुआ है, 5,000 लिखा है तो आपका आइए उसको 3,500 से 4,000, अगर आपकी गाड़ी में लिखा हुआ है 4,000 तो आपका आइए 2,500 से 2,800 किलोमीटर पे। और एक चीज़ और, आप जब तक आपके पास है बाइक, ऐसा नहीं कि आप 5,000 पे चेंज कराएं, जैसे जैसे गाड़ी आपकी पुरानी होती रहे, मान लीजिए 5 साल हो गए, 5 साल का मतलब है आपके किलोमीटर 50,000 या 1,00,000 किलोमीटर हो गए, बट इंजन उस टाइम अंदर से बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा। तो आपको आस्ते आस्ते मतलब हर सर्विस 100 किलोमीटर का फ़र्क दे दिया, हर दो दूसरी सर्विस पे, जैसे आपने कराई 2,800 किलोमीटर पे, तो 2-3 सर्विस के बाद आप उसको 2,600 पे जाएंगे। तो ऐसे ऐसे आप 2,200 पे, जब आपकी गाड़ी ज़्यादा पुरानी हो जाए 2,200 पे सर्विस कराएंगे, तो ये आपकी गाड़ी का इंजन। तो मैं अपना रिव्यू बता रहा हूँ, जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो उनकी गाड़ी के, मेरे बहुत से क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनके कई साल हो गए, इंजन तो दूर की बात है, क्लच प्लेट तक नहीं डली है, हेड तक नहीं खुला है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जितना मैनुअल में है जितना है तो उससे आप थोड़ा पहले करिए। अगर मैनुअल नहीं है, क्योंकि बहुत से मैनुअल नहीं पढ़ते हैं, तो उनके लिए यही है कि आपको किलोमीटर करानी है, अगर आपके पास इनफील्ड है या जो भी आज की बाइक है, तो आपको करानी है 2,500 से 2,800 के बीच में सर्विस, तो आपकी गाड़ी सेफ रहेगी। और अब बात करते हैं एयर फिल्टर की। तो एयर फिल्टर का ऐसा है, आजकल सब बाइकों में, सब स्कूटर में, स्कूटियों में पेपर एलिमेंट फिल्टर आ रहे हैं, पहले आते थे फॉर्म के या रूई के, अब आ रहे हैं पेपर एलिमेंट, ये हमारे वॉशेबल नहीं होते, तो बहुत से मैकेनिक इसको एयर प्रेशर से क्लीन कर देते हैं, बट पेपर एलिमेंट का कचरा नहीं निकलता है प्रेशर से, वो ऊपर ऊपर की धूल निकल जाती है, क्लीन नहीं होता है पेपर एलिमेंट फिल्टर, ना ही हम उसको वॉश कर सकते हैं। उसको चेंज कैसे करना है, उसका कोई किलोमीटर नहीं होता, तो अब वो किलोमीटर नहीं होता तो आप कैसे चेंज कराएं, मैं आपको बताऊँ। अगर आपका डस्ट वाला एरिया जहाँ आप राइड करते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट है, डस्ट मतलब मिट्टी बहुत उड़ती है, तो आपको वो कराना है 2,000 किलोमीटर तक, मतलब हर सर्विस पे आपको चेंज कराना है। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि 2 सर्विस पे चेंज कराएं, नहीं, 2 सर्विस पे कब होगा, जब आपका एरिया बहुत क्लीन है, वहाँ मिट्टी नहीं है, डस्ट नहीं, क्योंकि एयर फिल्टर सक करता है, जब वो खींचता है कार्बोरेटर से एयर खींचता है, तो उस टाइम अगर आपकी गाड़ी वहाँ पे एरिया में बहुत ज़्यादा मिट्टी है तो वो मिट्टी भी खींचेगा, जाहिर सी बात है, और वो मिट्टी की वजह से बहुत जल्दी गंदा होगा। और अगर आप एयर फिल्टर अपना टाइम टू टाइम क्लीन करेंगे, या वो खुद भी कर सकते हैं, निकाल के नॉर्मली झाड़ के लगा दिए सर्विस से पहले, मतलब 1,000 किलोमीटर पर आप ये कर सकते हैं, तो इससे क्या आपका कार्बोरेटर सेफ रहता है बिल्कुल। कार्बोरेटर के आजकल रॉयल फील्ड में बहुत शिकायत है, कार्बोरेटर बहुत जल्दी ख़राब हो रहा है, उसका रीज़न यही है एयर फिल्टर गंदा रहना, क्योंकि मैकेनिक ज़्यादातर यूँ उसको हवा मारी ऐसे झाड़ा और लगा दिया, जो कि बहुत गलत है। अब बात करते हैं क्लच वायर की, कि क्लच वायर कैसे चेक करना है। तो क्लच वायर टूटने से पहले आपको बताती है कि मैं कैसे टूट रही हूँ, तो उसका ये है, जब आपका लीवर अटकने लगे, जब आप क्लच दबाएं तो एक आवाज़ आती है कट 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 की, तो आपको वो फील हो, हाथ में फील होता है, फिर अगर फील हो तो आपको वो चेंज करनी है, और चाहते ही पहले चेंज कराइए। और एक चीज़ और जो मैं आपके बहुत काम आने वाली है, वो है चैन की आवाज़। अगर चैन, बहुत से आपने सुना होगा चैन टूट जाती है, तो वो टूटने से पहले 50 से 100 किलोमीटर पहले आपको बताती है। तो वो पहचान क्या है, जब आप गाड़ी का टॉर्क ले रहे हैं, मतलब जैसे आपके फर्स्ट गियर है या सेकेंड गियर है, और उठा रहे हैं,
मतलब झटके से नहीं उठाना, एक उठा रहे हैं ग्रंट वाला की डक डक ऐसे करके उठा रहे हैं, उस टाइम में एक आवाज़ आएगी सेकंड की कट कट कट, इस टाइप की आवाज़ है, तो समझिए आपके गाड़ी का चैन को लॉक टूटने वाला है और वो 50 से 100 किलोमीटर के अंदर टूट जाएगा। तो आप अपने लोकली किसी मैकेनिक के पास जाके चैन को लॉक डलवाइए। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए, गाड़ी कभी धोखा नहीं देगी, कभी भी धोखा नहीं देगी। इन तीन चार चीज़ों का आप ध्यान रखिए, यकीन मानिए गाड़ी आपकी सेफ रहेगी, आप कभी भी स्टार्ट करके जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब ये चीज़ आपको कंपलसरी करनी करनी है। और एक दोस्तों लास्ट में कहना चाहूँगा, मैं ये छोटी सी एक वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को पता चले, क्योंकि मैं हर एक को आंसर नहीं दे पा रहा था कि ऑयल कैसे चेंज करना है। तो मुझे बताइए कैसी लगी मेरी वीडियो, और मुझे कमेंट किया और मेरी लाइक करिए। और एक चीज़ और दोस्तों मैं कहना चाहूँगा आपसे लास्ट में, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब किए और ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियोज़ के साथ, जब तक बी सेफ राइड सेफ़।